दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे या कंप्यूटर चलाते होंगे तो विंडो की का प्रयोग 1, 2, 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 जान रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 25 प्लस विंडो की का प्रयोग बताएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर आपका स्वागत करता हूँ हम सभी का चैनल टेक जुम्बो में। और अभी तक ये चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन भी दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे तो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हम लोग को सभी को पता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा है मैंने विंडो ही की, बस फर्स्ट की विंडो की। जैसे भी हम विंडो चापते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरफेस ऐसा दिखता है, खुलता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐप हमारे कंप्यूटर का दिखता है। ये भी देखिए ऐसा दिखता है, ये तो सभी कोई जानते हैं, मुझे पता है सब कोई जानते हैं, तो ये मैं दिखाने के लिए नहीं यहाँ पे वीडियो में आया हूँ, दूसरा मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, नंबर सेकेंड पर रखा है मैंने विंडो प्लस एल। तो विंडो प्लस एल जैसे ही हम लोग चापते हैं तो ये मेरा देखिए कि ये क्या हो जाता है, स्क्रीन लॉक हो जाता है, यानी कि जैसे हम लोग लॉक खोलते हैं वो लॉक हो जाता है। तो इसको जल्दी से हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे एंटर चाप के मैंने लॉक खोल लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर थ्री पर विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन जैसे ही हम लोग चापते हैं तो ये देखिए क्या हो गया कि स्क्रीन जो है मेरा ये प्रिंट हो जाता है, यानी कि स्क्रीन शॉट मरा जाता है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट हो जाता है। उसके बाद नंबर फोर पर रखा है मैंने विंडो प्लस स्पेस। विंडो प्लस स्पेस से क्या होता है कि देखिए, विंडो प्लस स्पेस हम लोग जैसे ही चापते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पर आपका ये देखिए लैपटॉप यहाँ पे होगा, तो आपके पास कॉर्नर पे यहाँ पे दिख रहा होगा लैंग्वेज दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है लैंग्वेज, ये सभी का लैपटॉप में शायद लगभग वही रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग विंडो प्लस स्पेस चापते हैं तो ये मेरा क्या होता है कि यहाँ पे ये लैंग्वेज बदल जाता है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी हो गया अभी, उसके बाद यहाँ पे चापेंगे तो इंग्लिश हो गया, उसके बाद यहाँ पे US इंग्लिश हो गया। तो ये चार नंबर पर मैंने रखा है। उसके बाद नंबर फाइव पर मैंने रखा है विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस टैब जैसे ही हम लोग चापते हैं तो ये देखिए मेरा न्यू डेस्कटॉप आ गया, यानी कि आप जैसे जैसे चलाए हैं कि अभी रिसेंटली चला हुआ है आपका ये लैपटॉप में, वो सब चीज़ यहाँ पे डेट वाइज सब चीज़ दिखाता है यहाँ पे। तो ये मेरा न्यू टैब में ऐसे खुलता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट वैसा ही कर देता हूँ। ये नंबर फाइव पर है। नंबर सिक्स पर आपको विंडो प्लस पाउस, विंडो प्लस पाउस यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जैसे ही आप चिपिएगा तो यहाँ पे देखिए कि आपको नोटिफिकेशन यानी कि कंट्रोल पैनल खुलेगा और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कौन सा विंडो है, उसके बाद प्रोसेसर कितना है, उसके बाद रैम कितना है, ये कंप्यूटर का यानी कि पूरा दिखाएगा आपको, ये इसमें दिखाएगा। उसके बाद सेवन पे चाहते हैं हम लोग विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई जैसे ही हम लोग चापते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये आपका फाइल खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आपका फाइल है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे काट के दिखा देता हूँ आपको फिर से, तो ये देखिए मेरा काटा हुआ है। तो विंडो प्लस ई जैसे ही हम लोग चाहते हैं तो यहाँ मेरा फाइल खुल जाता है ऑटोमेटिकली। अब आपको फाइल खोलने के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि फाइल जाएंगे कंप्यूटर खोलेंगे, आप विंडो प्लस ई डायरेक्ट चापिए आपका डायरेक्ट फाइल खुल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विंडो प्लस एम, मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम। यहाँ पे विंडो प्लस एम जैसे ही चापते हैं तो मेरा मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद आपको इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने यहाँ पे 8 नंबर पर रखा है, 9 नंबर पर। यहाँ पे देखिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद एम, जैसे ही चापिएगा ये मैक्सिमाइज हो जाता है, ये मेरा जो है ये मैक्सिमाइज हो गया, देख लीजिए। उसके बाद फिर आप विंडो प्लस एम चापिएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम चापिएगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। नंबर दस पर मैंने रखा है विंडो प्लस क्यू। विंडो प्लस क्यू आप अपने कीबोर्ड में जैसे ही चापिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ये यानी कि आप टाइप करने वाला जो है वो आपका टाइप खोलने वाला ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे चिपना पड़ता है। देखिए विंडो प्लस क्यू आप जैसे ही चिप दीजिएगा तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा और आपको जो भी चीज़ टाइप करना है मंगाना है वो आप यहाँ पे टाइप करके आराम से मंगा सकते हैं, आसानी से मंगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 11, यानी कि नंबर 11 है विंडो प्लस आर। ये लगभग सभी कोई जानते हैं, विंडो प्लस रन ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग विंडो प्लस आर चिपते हैं यहाँ पे रन ऑप्शन खुलता है, तो ये लगभग सभी कोई जानते हैं। तो यहाँ पे रन ऑप्शन, जो भी आपको कोई भी चीज़ मंगाना है रन ऑप्शन से, तो यहाँ पे आप वहाँ पे सर्च कीजिए, उसके बाद रन ऑप्शन मंगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर 12, विंडो प्लस टी। विंडो प्लस टी आप जैसे ही चापते हैं
आपका ये देखिए फर्स्ट आता है, उसके बाद विंडो प्लस टी फिर से चाहिए तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो है ऑप्शंस ये आपको वन बाय वन करके आगे बढ़ते रहता है, जैसे मैं चपते रहती रहेगा तो वन बाय वन करके आगे बढ़ते रहेगा, यानी कि जो ये टैब है वो आगे बढ़ते रहेगा ऐसे करके विंडो प्लस टी चिपिएगा तो ये है ना इमेजिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पर विंडो प्लस यू, विंडो प्लस यू आप जैसे ही चापते हैं तो यहाँ पे विंडो प्लस यहाँ पे देखिए आपका सेटिंग में खुल जाएगा, उसके बाद सेटिंग खुलेगा, ये देखिए सेटिंग खुलेगा डिस्प्ले का आपका, जैसे ही आप विंडो प्लस यू चापिएगा तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, विंडो प्लस यू जैसे ही आप चापिएगा तो आपका डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद नंबर 14, नंबर 14 पर मैंने रखा है विंडो प्लस आई, विंडो प्लस आई जैसे ही आप चापते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सेटिंग खुल जाता है, यहाँ पे देखिए आपका जो भी सेटिंग है आपका वो सेटिंग आपका खुल जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा है। और उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 15 नंबर पर विंडो प्लस पी, विंडो प्लस पी आप जैसे ही चापते हैं अपना कंप्यूटर में तो आपका यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट इधर खुल जाता है राइट साइड में, पीसी स्क्रीन वाली यानी कि आपको जो स्क्रीन शेयर करने वाला प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये देखता है, यहाँ पे कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले आप किसी से मतलब वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो वो दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है 16 नंबर पर विंडो प्लस ए, विंडो प्लस ए हम लोग जैसे ही चापते हैं तो ये देखिए मेरा नोटिफिकेशन वाला जो पैनल है वो खुल जाता है विंडो प्लस ए से। उसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट में यानी कि 17 नंबर पर विंडो प्लस एफ, विंडो प्लस एफ हम लोग जैसे ही चापते हैं तो मेरा यहाँ पे देखिए कि फीडबैक हब यानी कि फीडबैक जो भी आपको जैसे आपका नेट अच्छा नहीं चल रहा है या तो आपका कोई भी चीज़ स्लो कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आप यहाँ से फीडबैक भेज सकते हैं, तो मेरा अभी ये ऑनलाइन नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप फीडबैक किसी के पास भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा विंडो यानी कि नंबर 18 विंडो प्लस एक्स, विंडो प्लस एक्स जैसे ही चापते हैं तो मेरा यहाँ पे देखिए ये खुल जा गया, जैसे यहाँ पे विंडो पर जाके हम लोग राइट बटन माउस पे चापते हैं तो यहाँ पे ये खुलता है, तो वैसा ही यहाँ पे अगर विंडो प्लस एक्स जैसे ही चापते हैं तो ये मेरा खुल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है यानी कि 19 नंबर पर है मेरा विंडो प्लस सी, विंडो प्लस सी जैसे ही हम लोग चापते हैं तो ये मेरा देखिए कि क्या खुल जाता है लिसनिंग, जैसे हम लोग बोलने वाला जैसे हम लोग बोलते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सुनेगा तो वहाँ पे वैसा ही ये सुनेगा और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आन देगा विंडो प्लस सी से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर पर विंडो प्लस बी, विंडो प्लस बी जैसे ही हम लोग चापते हैं तो यहाँ पे ये देखिए सो यहाँ पे हो रहा है सो हाइडन, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको हाइड कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर यहाँ पे हाइड रहता है, तो यहाँ पे विंडो प्लस हम लोग बी चापते हैं तो यहाँ पे इस पे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यानी 21 विंडो प्लस ग्रेटर देन, ये आप जैसे भी चिपिएगा विंडो प्लस ग्रेटर देन तो आपको यहाँ पे एक इमोजी आएगा, देखिए आप कोई भी इमोजी ले सकते हैं जो भी आपको इमोजी है यहाँ पे, जैसे हम लोग के मोबाइल में टाइपिंग करने से मैं इमोजी वहीं पे आता है तो यहाँ पे लैपटॉप में वैसा या कंप्यूटर में वैसा नहीं आता है, तो आप विंडो प्लस ग्रेटर देन जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे इमोजी बहुत सारे इमोजी आएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है वो इमोजी यूज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग ये मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें ये वाला ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विंडो प्लस प्लस या माइनस, जैसे विंडो प्लस आप प्लस चिपिएगा तो यहाँ पे देखिए कि आपको क्या होगा कि प्लस होगा यानी कि स्क्रीन जूम होगा, आप जैसे ही चिपिएगा तो स्क्रीन जूम होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे माइनस चिपिएगा तो स्क्रीन छोटा होगा स्क्रीन जूम होगा, उसके बाद स्क्रीन छोटा होगा उसके बाद स्क्रीन जूम होगा, जितना जूम कर सकते हैं उतना जूम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कम होगा विंडो प्लस प्लस या माइनस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है आपका विंडो प्लस वन, विंडो प्लस टू, विंडो प्लस थ्री, विंडो प्लस फोर, विंडो प्लस फाइव, मतलब अब जैसे चिपिएगा वैसे आपको होते रहेगा, तो नंबर मैं विंडो प्लस वन कर देता हूँ, जिसे विंडो प्लस वन में क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐप है नीचे मेरा टास्क में तो आप जैसे ही इसको वन बाई वन करते जाइएगा, जिसे विंडो प्लस वन करिएगा तो आपको विंडो वन में जो है वो खिल जाएगा, उसके बाद विंडो प्लस टू जैसे ही करिएगा नेक्स्ट विंडो प्लस टू करिएगा तो विंडो टू में है जो वो खुल जाएगा,
तो यहाँ पे मेरा खुलने में थोड़ा लेट लग रहा है। उसके बाद विंडो प्लस 3 जैसे ही चिपेगा तो विंडो प्लस 3 में जो है आपको वो आ जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और एक दूसरे को शेयर भी कर दें। और अगर इस चैनल पे नए हैं और आपको इस वीडियो ऐसा वीडियो अच्छा लगता है देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्त कोई भी दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ के आपका सवाल का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।